ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। तेरापन धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण मुंबई चातुर्मास के लिए महानगर आ चुके हैं। मंगल प्रवेश से पूर्व कई उपनगरों में उनका प्रवास सुनिश्चित हुआ है। इसी क्रम में जब वे उत्तर मुंबई क्षेत्र में विहार करेंगे तो ठाकुर कॉम्प्लेक्स कांदिवली स्थित तेरापन भवन में उनका 3 दिवसीय प्रवास तय हुआ है। आगामी 13, 14 और 15 जून को आचार्य श्री के पावन सानिध्य में वहां विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि कांदिवली का तेरापन भवन मुंबई के श्रावक समाज के लिए धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। इस भवन का संचालन करने वाली संस्था श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद बोहरा के नेतृत्व में आचार्य महाश्रमण के 3 दिवसीय प्रवास को यादगार बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। इन्हीं तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार सूर्य और अलमास सिद्दीकी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं और वहां विराजित चरित्र आत्माओं से बात की। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। काफी तैयारी चल रही जोर शोर से और सभा कांदिवली, यूथ परिषद कांदिवली, अशोक जी, पारा जी, पूरी टीम, नवनीत जी, महाराज जी भी काफ़ी सबका सहयोग मिल रहा है। रोज मीटिंग चल रही है सुबह शाम। विनोद जी बोरा के नेतृत्व में हम सब मजे और गुरुदेव उतार रहे हैं। ये हमारा दायित्व भी बनता है और एक हमारे लिए गर्व का भी मौका है। और पंडाल बना हुआ है लगभग 20,000 प्रवचन पंडाल है, खाली 20 का है। 12,000 अरियन बिल्डिंग में है, 12,000 भोजनशाला में है, 10,000 फीट का हमारा स्टील एरिया है और एकदम स्वर्णिम पल गुरुदेव 20 साल बाद लगे हुए हैं। पूरा कांदिवली मलाड समाज लगा हुआ है। हम रात दिन इस तैयारी में लगे हैं कि गुरुदेव का 20 साल बाद 13 तारीख का इंतजार हो रहा है। 13 तारीख जल्दी से जल्दी आवे और गुरुदेव का हम पलक पावड़े के साथ पूरा कांदिवली मलाड समाज लगे हुए हैं। संस्करण है, बहुत ही अच्छा स्टेज बनाया हुआ है और भव्य पब्लिक जो हम 5,000 लोगों की अपेक्षा करें कि ग्रेडी में 5,000 से ऊपर के लोग यहाँ आएँ और इसकी व्यवस्था पूरी तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन ने की है। पास में हमने भोजनशाला है, 300 मीटर पर हमारी पार्किंग है, मतलब 500 मीटर के दायरे में हमने 5,000 लोगों को यहाँ रुकने की व्यवस्था की है। गुरुदेव ये रस्ते से प्रवचन के लिए वापस यहाँ पधारेंगे। ये स्टेज बना हुआ है, प्रमुखा श्री जी सामने की बिल्डिंग से पधारेंगे और इस स्टेज पर पधारेंगे और सभी साधु संत इस बिल्डिंग में आरजन बिल्डिंग में विराजेंगे और पूरा समाज ये व्यवस्थाओं के लिए हम लगे हुए हैं और इंतजार करें 13 तारीख कब आवे और हम गुरुदेव का प्रवेश यहाँ पे हो। और ये पूरा ऊपर वाटर प्रूफिंग बना रहे हैं बारिश के हिसाब से, चलो नीचे पानी नहीं गिरे इसके हिसाब से पूरी व्यवस्था है। सामने बंगलो है वो भी लिया हुआ है, उसके 2 बंगलो है। व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से चल रही है और सभी में जोश है पूरा। और 125 साध्वी श्री जी रुक सकते हैं तब तक यहाँ है और 50 संतों की व्यवस्था, हमने 125 साधु साध्वी यहाँ बिरा सकते हैं उसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। और सारक समाज सारिका समाज भी आराम से पूरा 3 दिन तक सेवा कर सकते हैं। पार्किंग की हमने अच्छी व्यवस्था की है, वेले कर रखे हैं, सब तरह से तैयार है। बस हमें तो अभी 13 तारीख का इंतजार है, कब गड़ी 13 तारीख आए और हम गुरुदेव प्रवेश करेंगे। स्वागत किया। स्टेज का डेकोरेशन पूरा पचरंगी रंग में जैन ध्वज के साथ किया गया है। भव्य रैली माला खाने से और रिक्शे की सेवा बोरीवली स्टेशन और कांदिवली स्टेशन से शहर रिक्शे की सेवा की रखी मात्र 20 रुपये। श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रीमान विनोद कुमार जी साहब बोरा, यहाँ साधी श्री विद्यावती जी यहाँ विराजित है और आचार्य श्री महाश्रमण जी का प्रवास 3 दिन तक यहाँ प्रवासित है। तो आचार्य श्री के प्रवास के बारे में साधु श्री विद्यावती जी से आपको क्या प्रेरणा मिल रही है? पत्रकार प्रमोद जी, सबसे बड़ी बात तो है 13 जून है और हम सब 13 पंथी हैं, तो ये दिन भी एक हमारे लिए बड़ा स्वर्णिम पल है। और साध्वी श्री विद्यावती जी, उनके मार्गदर्शन में हम रोज़ जो कार्य हो रहा है उनको बता रहे हैं, आज हमारे पास ये काम हुआ, हम ये काम करें, तो उनका गाइडेंस हमें पूरा मिलता रहे और उनके गाइडेंस से हम पूरा काम करते रहते हैं। और साधी श्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि हमें रोज़ गाइडेंस मिल रहा है और हमारा काम सवैया हो रहा है रोज़।
श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन के मंत्री महोदय श्रीमान मनीष कुमार जी साहब कोठारी, जब आचार्य श्री महाश्रवण जी 13 जून को इस राजभवन में पधारेंगे, उस समय मुंबई में जो साधु साध्वी विचरण कर रहे हैं उनमें कितने साधु साध्वी तेरापन भवन तांदिवली में दूरदर्शन करेंगे। एक गुरुदेव का एक आदेश आया था कि जो भी गुरुदेव के दर्शन करना चाहते हैं वो या तो कांदिवली भवन या आयंदर दर्शन करें, तो उस आदेश की पालना करते हुए हमें यहाँ पर साध्वी श्री विद्यावती जी, साध्वी श्री संयमलता जी, साध्वी श्री सोमलता जी, ये गुरुदेव का यहाँ पर दर्शन करेंगे जब गुरुदेव यहाँ पर पधारेंगे। बाकी सिंगाड़ों ने कर लिया, जैसे निर्वाण सिंह जी ने विरार में किया, अभी अजीत मुनि ने भी सफाले में किया, और कुछ गोरेगांव नेस्को में करने वाले और कुछ मीरा रोड में करने वाले। तो इस तरह से जो पूरा साधु संतों का जो सेना है वो गुरुदेव के साथ सब जुड़ जाएंगे और ये जो हमारा आध्यात्मिक कारवा है वो शुरू हो जाएगा। जिनके जीवन में मित्राक्षी मस्ती है, चेहरे पर सदा मुस्कान बरसते हैं, नाज है ऐसे महातपस्वी महामनस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी पर, जिनके दीदार के लिए दुनिया तरसते हैं, दुनिया तरसते हैं। गौर वर्ण और युक्त चेहरा, मुख पर जिनके मधुर मुस्कान है, दर्शन से आनंद मिलता, जीवन में सा जाती खुशहाली है। लघु वय में दीक्षित हुए, वित्त राग पथ किया स्वीकारी है, ऐसे पूज्य आचार्य भगवंत को वंदन हमारा इस राजभवन में हमारी है, हमारी है। भगवंत तेरी ज्योत से नूर मिलता है, गमे दिलों को सुरूर मिलता है, जिनका सर आपके कदमों में झुक जाता है उन्हें कुछ न कुछ तो जरूर मिलता है। कि ए चांद सूरज ठहरो जरा, सवत तीन लोग के नाथ का इस राजभवन में आना है, तुम रोशन रखना इन राहों को, इन्हें अनुव्रत यात्रा से महकाना है, इन्हें अनुव्रत यात्रा से महकाना है, कि सब और अलौकिक प्रकाश बिखरा है, तब त्याग का जीवन में रूप निखरा है। कहते हैं कि यहाँ पर गुरुवर पधारे हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पर जन्नत उतर आया है, हर कान में कोयल की पुकार रही है, कलियुग को जवानी में निखार रही है। कहते हैं कि यहाँ पर पूज्य परवर ने यहाँ पर पूरी गुलशन लेकर आए, मैं कहता हूँ यहाँ पर गुलशन में बहा रहे हैं, दुनिया वाले जी भर कर लाभ उठा लो, अवसर ये अनमोल है, अपना सोया भाग्य जगा लो, ज्ञान की गंगा बहती है, अपने जीवन की प्यास बुझा लो, दीप से दीप जला लो, यह अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि विश्व गुरुवर आप विश्व के दिव्य सितारे हो, जन जन मन के आंखों के तारे हो, दुनिया करती है अन्य देवों की पूजा, इस प्रकाश धाकड़ को तो सिर्फ आपका ही सहारा है, आपका ही सहारा, कि सबरी के बेर में राम को देखा, माखन की मटकी में घनश्याम को देखा, ये हकीकत है अनशोक्ति नहीं, आपके नयनों में रत्न तरह की एक झलक देखी, रत्न तरह की एक झलक प्रभुवर, एक हमसे आपसे नई उम्मीद लगा रखी है कि आप चातुर्मास के बाद इस राजभवन में पुनः पधारने की कृपा करवाना, कि सूर्य के प्रकाश को कोई ढोक नहीं सकता है, बहती हुई हवाओं को कोई गोद नहीं ले सकता है, आपकी अप्रतिबद्ध गति को रोक पाना संभव नहीं है, पर इतना सा अनुरोध कि आप चातुर्मास के बाद शेष काल में एक महीना इस राजभवन में राजभवन को बक्साने की कृपा करवाना हो महाराज। आचार्य महाश्रवण जी का मुंबई पदार्पण का प्रथम पड़ाव ये कांदिवली के तेरापन भवन में होने जा रहा है, तो राजभवन में आपने उनके स्वागत के लिए क्या क्या तैयारी की? सबसे पहले तो ये हमारे लिए ऐतिहासिक मौका है कि गुरुदेव यहाँ मुंबई पधार रहे हैं, और ये जो मुंबई आगमन का जो पड़ाव है कांदिवली है 13 जून को, और ये भव्य रैली के रूप में हम नेशनल पार्क बोरीवली से सभी जुड़ेंगे, मीरा रोड से विहार होगा गुरुदेव का, और सुबह हम कांदिवली नेशनल पार्क से बोरीवली नेशनल पार्क से जुड़ेंगे भव्य रैली, लगभग 4 से 5 हज़ार पब्लिक की उपस्थिति रहेगी रैली में, कांदिवली बोरीवली दहिसर मलाड गोरेगांव जोगेश्वरी तक की और पूरे मुंबई के श्रावक समाज रहेगा, और राजभवन में ये पहले भी सिद्ध मर्यादा महोत्सव हुआ था, तो ये हमारे लिए गर्व की बात और ऐतिहासिक पल है कि गुरुदेव कांदिवली भवन में पधारेंगे, और वो क्षण हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्षण है जब गुरुदेव कांदिवली भवन में प्रवेश करेंगे,
तो तैयारी भी बहुत जोर शोर से चालू है। बाहर पंडाल की व्यवस्था हो गई है, बाकी सब व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। और गांधी भवन मुंबई में राजभवन के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी गतिविधियाँ चल रही हैं। सभी संघीय संस्थाएँ यहाँ पे कार्यक्रम करती है, तो गुरुदेव जब यहाँ पधारेंगे तो हम सब ट्रस्टीगण उनके स्वागत हेतु आतुर है। और कब वो यहाँ पधारे और यहाँ बिराजे और हम उनके दर्शन सेवा का लाभ लेवे और हम जितना से जितना लाभ ले सके, यही हमारी मंगल कामना है। 20 साल पहले आचार्य महाश्रमण एक युवा आचार्य के रूप में मुंबई में पधारे थे और अब आचार्य के रूप में मुंबई में पधारे हैं, तो इसमें आपके क्या विचार है? 20 साल पहले आचार्य श्री महाश्रमण जी युवाचार्य के रूप में इस राजभवन में पधारे थे, तब सिद्ध मर्यादा महोत्सव महाप्रयज्ञ जी का था। आज प्रथम आचार्य के रूप में वो महाश्रमण जी यहाँ पधार रहे हैं, तो राजभवन एकदम उत्साहित है और बहुत जोर शोर में तैयारियां शुरू है गुरुदेव की आगमन के लिए। और हम सभी ट्रस्टीगण एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुदेव या कम से कम एक महीना यहाँ विराजे राजभवन में, हमारे सभी ट्रस्टीगण की यही विचार है। यहाँ पर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने सिद्ध मर्यादा महोत्सव किया है, अब उनके पटतल आचार्य महाश्रमण जी यहाँ पर 13 भवन में प्रवास करेंगे, तो आप उनके प्रवास को किस तरह से ऐतिहासिक बनाए? हम गुरुदेव 70 वर्ष बाद ऐतिहासिक चतुर्मास यहाँ हो गया मुंबई, और सिद्ध मर्यादा महोत्सव के बाद 20 साल बाद इस गांधीवली के राजभवन में बता रहे हैं, तो इसकी राजभवन गांधीवली तुलसी मापर के फाउंडेशन की ओर से हम नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति, ये हमारा खास उद्देश्य रहेगा कि लोगों के जो गुरुदेव प्रवचन देते हैं ये बात सबको पहुँचे। और गुरुदेव लगभग 53,000 किलोमीटर यात्रा करने के बाद इस गांधीवली के राजभवन में बता रहे हैं, तो हम गुरुदेव के प्रति तीनों दिन के जो प्रवचन हैं उनकी एक सिद्ध मर्यादा संस्मरण हमारे यहाँ रहेगा। और गुरुदेव का हमारा प्रवचन 3 दिन का है, पहले दिन हम गुरुदेव के प्रवचन के बाद हम एक ट्रस्टियों की मीटिंग रख रहे हैं, गुरुदेव आप चातुर्मास के बाद शेष काल बाद आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिराजे। उसके बाद नेक्स्ट डे हम हमारे इस चोकला जो देश से लगा के जोगेश्वरी तक का चोकला है, उन सभी के अध्यक्ष और मंत्रियों के साथ में भी गुरुदेव को निवेदन करेंगे कि चातुर्मास के शेष काल बाद इस कांदिवली के राजभवन में आप एक महीना बिराजे, ये हम अर्ज करने वाले हैं। और दूसरे काफी ऐतिहासिक प्रोग्राम इसके 3 दिन में आपके इस यात्रा में होने वाले हैं। त्रिदिवसीय प्रवास में क्या क्या विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे? विशेष कार्यक्रम में हम चाह रहे हैं कि बहुत जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनकी एक संगोष्ठी कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं उनको सेकेंड डे बुला रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के सभी जो पुलिस वाले उनके साथ में एक बड़ी संगोष्ठी कर रहे हैं, एक पत्रकार संगोष्ठी हम कर रहे हैं। और आजू बाजू के इस चोकले के काफी लोग यहाँ से जुड़े कर उनके साथ में गुरुदेव के सानिध्य में हम लोगों को जोड़ना है, कि बहुत 20 साल बाद गुरुदेव के दर्शन करेंगे तो उनके बारे में हम लोगों को बताना है, नैतिकता, सदा भावना और नशा मुक्ति के बारे में गुरुदेव के सब लोगों को दर्शन कराना और उसमें नशा मुक्ति पे ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस करेंगे। इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में विशेष इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम में हमारे MP गोपाल जी सेठी का हमें परमिशन मिल चुका है, हमारे MLA अतुल भातोलकर जी पधार रहे हैं, पूर्व MLA हमारे रमेश सिंह जी ठाकुर पधार रहे हैं, और MLA हमारे प्रकाश दादा सुरवे वो भी पधार रहे हैं, और काफ़ी अतिथिगण इस 3 दिवसीय प्रोग्राम में पधार रहे हैं और गुरुदेव के प्रवचन का लाभ लेने वाले हैं। आचार्य महाश्रमण के कांदिवली प्रवास के लिए सभी ऐसा कह रहे हैं कि अध्यक्ष विनोद बोरा के नेतृत्व में इस पूरे भवन को व्हाइट हाउस के रूप में सजाया जा रहा है और तैयारियां काफ़ी जोरों शोर से की जा रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, सिद्ध मर्यादा महोत्सव के बाद जब गुरुदेव 20 साल बाद इस राजभवन में पधार रहे हैं तो हमारी एक शुरुआत विशाल रैली जिसमें 5,000 लोग रहेंगे और विशाल रैली के रूप में गुरुदेव इस कांदिवली के राजभवन में पधारेंगे, तो ये पहले से जैन समाज का सबसे बड़ा भवन है और इसको राजभवन के नाम से जाना जाता है, तो ऑटोमेटिक व्हाइट हाउस हो जाता है। और गुरुदेव की कृपा और यहाँ पधारने और उनके पगले होने से हमारा पूरा राजभवन आज व्हाइट हाउस जैसा लग रहा है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस 3 दिन का प्रवचन का लाभ लें और चातुर्मास के शेष काल बाद हमें 1 महीने का प्रवास गुरुदेव का स्थानीय नीचे राजभवन में मिले। आचार्य महाश्रमण जी के 3 दिवसीय प्रवास के लिए किन किन सहयोगी समितियों का गठन किया गया है? आचार्य श्री महाश्रमण जी 20 वर्षों के बाद कांदिवली की पावन धरा को अपने चरणों से पावन करने वाले हैं, तो यहाँ श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण,
एवं यहाँ श्री जैन श्वेतांबर तेराबंदी सभा, तेरापंथ युवक परिषद, महिला मंडल, किशोर मंडल, कन्या मंडल सब मिलकर बहुत जोरदार काम कर रहे हैं। अनेक समितियों का गठन किया गया है, जैसे पांडाल व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, पानी व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, साधु संतों की गोचरी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, इसके बारे में सब मिलजुल कर अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें कांदिवली और मलाड दोनों टीमें लगी हुई है कि व्यवस्थाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अंजाम दे सकें। और मुंबई की गूंज, मुंबई की धड़कन को पूरे वर्ल्ड में सुना जाता है, और हम सबका प्लान यह है कि यह हमारा प्रवास, त्रिदिवसीय प्रवास ऐतिहासिक हो, जिसकी गूंज जैसे पहले हमारे यहाँ सिद्ध मर्यादा महोत्सव हुआ था, उसी तरह ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम एकदम ऐतिहासिक हो, ऐसा प्लान लेके चल रहे हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लोगों को प्रेक्षा ध्यान का औदान दिया है, और आप पिछले कई वर्षों से उनके साथ जुड़े हुए, तो इस बारे में आप कुछ बताइए। आचार्य श्री ने मानव जाति के कल्याण के लिए एक बहुत जबरदस्त अभियान दिया, प्रेक्षा ध्यान जी, जिससे न केवल भारत में बल्कि विश्व के बाहर भी लाखों लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और लगभग 26 वर्षों से मैं इस अभियान से जुड़ा हुआ हूँ, और हमारे यहाँ कांदिवली में 5 सेंटर चलते हैं अशोक नगर में, और भवन में भी 2 सेंटर चलते हैं जिनको सांदला जी कोठारी चलाते हैं, बाकी सेंटर मेरे अंडरटेकिंग चल रहे हैं, तो ये सेंटर कभी बंद नहीं रहते हैं। शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए प्रेक्षा ध्यान अच्छुक उपाय है, और आत्मा को निर्मल बनाने के लिए, आत्मा के ऊपर जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष का जो आवरण छाया, इन कषायों का जो आवरण छाया हुआ है, तो आत्मा को निर्मल बनाने का एक अच्छा अवदान है। इससे कई लोग, अनेकों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और इस त्रिदिवसीय प्रोग्राम में हम 13 तारीख को 1-2 घंटे की प्रेक्षा ध्यान की अच्छी विशाल कार्यशाला आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन सानिध्य में भी रख रहे हैं, जिससे लोगों तक इसकी गूंज हो और इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम का और अच्छा महत्व हो, इसके लिए प्रेक्षा ध्यान का एक वर्कशॉप भी रखा गया है। और प्रेक्षा ध्यान से न केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी कई बीमारियां ठीक होती है, और व्यक्ति को भावनात्मक तनाव से भी छुटकारा मिलता है, तो ये अद्भुत अवदान है। इसमें शारीरिक चिकित्सा तो होती है, मानसिक लेवल से भी आदमी अपना संतुलन बनाए रखता है, प्लस आध्यात्मिक विकास भी होता है, तो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली इसमें अच्छा विकास होता है। जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लोगों को प्रेक्षा ध्यान का औदान दिया है, और आप पिछले कई वर्षों से उनके साथ जुड़े हुए, तो इस बारे में आप कुछ बताइए। आचार्य श्री ने मानव जाति के कल्याण के लिए एक बहुत जबरदस्त अभियान दिया, प्रेक्षा ध्यान जी, जिससे न केवल भारत में बल्कि विश्व के बाहर भी लाखों लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और लगभग 26 वर्षों से मैं इस अभियान से जुड़ा हुआ हूँ, और हमारे यहाँ कांदिवली में 5 सेंटर चलते हैं अशोक नगर में, और भवन में भी 2 सेंटर चलते हैं जिनको सांदला जी कोठारी चलाते हैं, बाकी सेंटर मेरे अंडरटेकिंग चल रहे हैं, तो ये सेंटर कभी बंद नहीं रहते हैं। शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए प्रेक्षा ध्यान अच्छुक उपाय है, और आत्मा को निर्मल बनाने के लिए, आत्मा के ऊपर जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष का जो आवरण छाया, इन कषायों का जो आवरण छाया हुआ है, तो आत्मा को निर्मल बनाने का एक अच्छा अवदान है। इससे कई लोग, अनेकों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और इस त्रिदिवसीय प्रोग्राम में हम 13 तारीख को 1-2 घंटे की प्रेक्षा ध्यान की अच्छी विशाल कार्यशाला आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन सानिध्य में भी रख रहे हैं, जिससे लोगों तक इसकी गूंज हो और इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम का और अच्छा महत्व हो, इसके लिए प्रेक्षा ध्यान का एक वर्कशॉप भी रखा गया है। और प्रेक्षा ध्यान से न केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी कई बीमारियां ठीक होती है, और व्यक्ति को भावनात्मक तनाव से भी छुटकारा मिलता है, तो ये अद्भुत अवदान है। इसमें शारीरिक चिकित्सा तो होती है, मानसिक लेवल से भी आदमी अपना संतुलन बनाए रखता है, प्लस आध्यात्मिक विकास भी होता है, तो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली इसमें अच्छा विकास होता है। जून के दिन प्रातः 8 बजे माघा ठाणे से रैली शुरू होगी, अनुशासन रैली, जिसमें अनुशासन का हम एक प्रतीक गुरुदेव के समक्ष रखेंगे, जैसे कि एक अनुशासन रैली, जैसे ज्ञानशाला, किशोर मंडल, कन्या मंडल, महिला मंडल, युवक परिषद, सभा, सभी मिलकर इस रैली में सहयोग करेंगे। और जगह जगह पर ज्ञानशाला की प्रस्तुति है, और जाखियों द्वारा युवक, किशोर मंडल, कन्या मंडल इस रैली को आयोजन कर रहे हैं। और गुरुदेव के स्वागत के लिए हम महाप्रज्ञ चौक पर एक वंदना के द्वारा गुरुदेव का हम स्वागत कर रहे हैं भव्य। उसके पश्चात हम गेट के अंदर, जब तेरापंथ भवन के गेट के अंदर एंट्री करेंगे,
तो 13 संख संख से 13 जनों को संकनाद करेंगे, उसके पश्चात मंच के नीचे से गुरुदेव का प्रवेश 53 भवन में। आचार्य महाशमन के त्रिदिवसीय प्रवास के लिए महिला मंडल का क्या योगदान? महिला मंडल, जैसा आपको अशोक जी ने बताया कि कन्या किशोर मंडल के साथ साथ महिला मंडल की रैली में पूरा अपना योगदान देगी, हम भी उनके साथ रैली से जुड़ेंगे। और तत्पश्चात यहाँ कांदिवली भवन के पास जब हम पहुँचेंगे तब एक सामूहिक वंदना कार्यक्रम बना रहे हैं जिसमें सभी संस्थाओं को जोड़ने का विचार किया गया है। उसके पश्चात जैसे कि पंडाल जितना भव्य पंडाल बन रहे हैं उसकी व्यवस्था में महिला मंडल का पूरा योगदान रहेगा, क्योंकि क्या उससे बहुत बड़ी रैली होगी और जनसमूह बहुत सारा। लगभग 50 वर्षों के बाद आचार्य श्री का हो रहा है और आचार्य श्री महाश्रमण भी लगभग 20 वर्षों के बाद वापस यहाँ पधार रहे हैं। यहाँ सबको ये प्रेरणा देते हैं कि हर व्यक्ति, हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता उसके मन में उत्साह जगे और वे एकदम तन मन से सेवा के कार्य में संलग्न बने। और उसके साथ साथ कि आचार्य श्री का प्रवास होने वाला है तो उन दिनों का पूरा पूरा लाभ किस प्रकार लिया जाए उसके लिए कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम भी होने चाहिए। जैसे आचार्य श्री महाश्रमण जी प्रेरणा देते हैं कि नशा मुक्त जीवन जीना चाहिए, हर एक के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए, अपने जीवन में नैतिक पूर्ण व्यवहार होना चाहिए, तो उन्हीं मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम पदाधिकारियों को भी यह प्रेरणा देते हैं कि आप स्वयं भी इन बातों को समझे और आप भी इनके प्रचार प्रसार में अपने आप को नियोजित करें। तो इस रूप में देखा जाए तो ये कांदिवली भवन एक ऐसा भवन है, जैसे कि आपने बताया कि ये 13 समाज का राजभवन है, तो वस्तुतः आने वाला हर व्यक्ति यहाँ एकदम प्रसन्न हो जाता है क्योंकि एकदम खुला स्थान है। और हम भी लगभग पिछले 7 महीनों से यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं, शासन श्री साथी श्री विद्यावती जी और उनके साथ हम साथियाँ यहाँ प्रवास कर रही हैं। और हम भी अभी इतने उत्सुक हैं कि कब गुरुदेव पधारे और कब हमारे दर्शन हो, क्योंकि हमें भी लगभग 3 साल हो गए और हमने गुरुदेव के दर्शन नहीं किए हैं, तो हम भी बड़ी उत्सुकता में हैं। और पूरा श्रावक समाज, गांधीवली समाज ही नहीं बल्कि पूरा मुंबई समाज है, बड़ी उत्सुकता से गुरुदेव के पदार्पण की इंतजार कर रहा है और हर एक के मन में एक जोश जगना चाहिए और उसके साथ साथ उत्साह हो, श्रम निष्ठा हो, लगन हो, तो सारे काम अपने आप संपादित हो जाते हैं। आप देख रहे हो कि कितनी तैयारियां हो रही है, आचार्य प्रवर के पदार्पण से पूर्व ही ऐसा लग रहा है कि बस कल ही गुरुदेव पधारने वाले हैं, तो सबके मन में एक बड़ा उत्साह भी है। तो हम पदाधिकारियों को यही प्रेरणा देते रहते हैं कि भाई जैसे भी ये 3 दिन का प्रवास जो गुरुदेव का मिल रहा है 13, 14 और 15 जून का, उसमें हर एक व्यक्ति को पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन को आलोक से किस प्रकार मतलब भरा जाए उसके लिए चिंतन करना चाहिए। नशा मुक्ति को लेकर आपके क्या विचार हैं? आज के युग में नशा अपने आप एक फैशन बन गया है, तो उस नशे से हमारा समाज भी मुक्त नहीं रहा। और हम जहां तक सोचते हैं कि नशा हमारे लिए बहुत बड़ा घातक है, देश के लिए घातक है, राष्ट्र के लिए घातक है, तो जहां तक हो हम चाहते हैं कि हमारा समाज कम से कम नशे से मुक्त हो
तो एक अच्छे समाज की परिकल्पना की जा सकती है। और यूं करते करते ही एक समाज जब अच्छा बनता है तो एक राष्ट्र अच्छा बनता है, और एक राष्ट्र जब अच्छा बनता है तो एक विश्व भी कभी नशा मुक्त हो सकता है। तो नशा हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी एक घातक वस्तु है, उससे मुक्ति का हमारे आचार्य महाश्रमण जी जिनकी अहिंसा यात्रा मात्र इस मिशन को लेकर के चली थी, नैतिकता सद्भावना और नशा मुक्ति, और उन्होंने अपने इस मिशन के माध्यम से लाखों लाखों लोगों को नशा मुक्त बनाया है, और आज भी उनका ये प्रयत्न इस दिशा में जारी है, और वो आज भी लोगों को नशा मुक्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। आप गुरु दर्शन कब से कर रहे हैं और आगे आप कहां पर करेंगे और आपकी आगे की क्या योजना है? अभी हम 2 वर्ष 2 माह और 2 सप्ताह के बाद दर्शन कर रहे हैं, और अभी 13 जून कांदीवली में हम दर्शन करने वाले हैं, और आगे की योजना की जहां तक आप बात कह रहे हैं, वो आगे की योजना हमारे अपने गुरु पर डिपेंड रहती है। 13वां धर्म संघ में सर्वोपरि आज्ञा होती है गुरु की, गुरु जैसा कहते हैं वहीं पर हमारा आगे की योजना बनती है। अभी यहाँ आने के बाद में जब गुरुदेव हमें कोई निर्देश फरमाएंगे कि तुम्हें कहाँ जाना है कहाँ रहना है, तो उसी के अनुसार हमारी आगे की योजना बनेगी, क्योंकि 13वां धर्म संघ आज्ञा और अनुशासन पर टिका हुआ धर्म संघ है। यहाँ पर किसी की अपनी कोई योजना नहीं होती, अपनी कोई इच्छा नहीं होती, जैसा गुरुदेव कहे वैसा ही हमारा अपना समर्पण होता है, और उसी के अनुसार हम अपनी योजना बनाते हैं। आपने कांदीवली में चातुर्मास किया है और अब आचार्य महाश्रमण जी 3 दिवसीय प्रवास के लिए कांदीवली भवन आ रहे हैं, तो ऐसे में जो उनके जितने भी श्रावक हैं उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? यह है परम प्रसन्नता का और परम दुर्लभ क्षण का एक अवसर हमारे सामने है, जब 13वां धर्म संघ के 1वें अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी मुंबई में चतुर्मास और मर्यादा महोत्सव के लिए पधार रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, आचार्य श्री महाश्रमण जी पद यात्री हैं, वे किसी वाहन का प्रयोग नहीं करते, पांव पांव चलकर उन्होंने भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को मापा है, और जन कल्याण के लिए उन्होंने 3 महत्वपूर्ण सूत्र दिए कि मनुष्य सब धर्मों के प्रति सद्भाव रखे, धर्म सुई का काम करता है उसे कैंची का काम करना बंद कीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जीवन में यदि नैतिकता नहीं है तो मानना चाहिए एक निष्प्राण शरीर पड़ा है, नैतिकता है तो जीने का स्वाद है और समाज उससे विकास प्राप्त करता है, उन्होंने नैतिकता का संदेश दिया। और तीसरा संदेश, जो एक राक्षस की तरह आदमी को चूस रहा है वो है नशा, और नशे के विरुद्ध आचार्य श्री महाश्रवण जी ने एक सूत्र दिया कि जहां तक बन सके रोटी का भी नशा आदमी को परेशान करता है, वो भी समय पर न मिले तो आदमी की आंखें पीछे चली जाती हैं। तो बाकी जो अनावश्यक चीजें हैं जिनका सेवन करके आदमी दिन में ही अंधा बन जाता है, जीते हुए भी मृत तुल्य हो जाता है, तो उन्होंने कहा नशा जीवन की बर्बादी का द्वार है, नाश का पतन का पहला मार्ग है, उन्होंने नशा मुक्ति का संदेश दिया। उनके ये 3 सूत्र नशा मुक्ति, नैतिकता और सद्भावना, इन 3 सूत्रों का प्रचार प्रसार करते हुए वे मुंबई महानगर में पधार रहे हैं, और यहाँ से उनकी आवाज केवल मुंबई में नहीं, केवल महाराष्ट्र में नहीं, केवल भारत में नहीं, मैं सोचते हूँ पूरी दुनिया तक पहुंचेगी, और आदमी जीने का रास्ता समझेगा कि मुझे कैसे जीना है। केवल सांस लेना जीवन का नाम नहीं है, जिंदगी ऐसी हो जिसमें कुछ स्वाद आए, जिसमें कुछ सुगंध आए, जिसमें कुछ आनंद आए, तो ऐसी आनंद पूर्ण जिंदगी जीने वाले आचार्य श्री महाश्रमण जी मुंबई में पधार रहे हैं। प्रत्येक श्रावक का नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह समय निकालकर, कौन सा समय जिसमें वो टीवी देखने में बर्बाद करता है,
दिन भर मोबाइल के सामने बैठकर बर्बाद करता है, दिन भर फालतू की गप्पे बैठ करके समय बर्बाद करता है, फालतू की राजनीति करके समय बर्बाद करता है, उस समय को बचाकर उसका सदुपयोग करके और जीने की कला सीखे, यह पूरी मानव जाति के कल्याण की बात है। मुंबई में आचार्य जी का चातुर्मास 7 दशक पहले हुआ था, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मुंबई वासियों के लिए ये बहुत देर से मिला हुआ चातुर्मास है? देखिए, इसमें यदि मैं ऐसा कहूँ कि मुंबई वासी पहले नींद में थे तो वो ठीक नहीं होगा, और आचार्य श्री ने मुंबई को भुला दिया ऐसा कहूँ तो भी वो ठीक नहीं होगा। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो समय आता है तभी होते हैं। अब कोई सोचे कि आम का पेड़ मैंने सवेरे लगाया और शाम को आम तैयार हो जाए, सोचने मात्र से नहीं होता। कई काम ऐसे होते हैं जो समय पर ही होते हैं, तो मुझे लगता है कि मुंबई में यही समय उत्तम था आचार्यों के चतुर्मास का। उससे पहले आचार्य तुलसी 70 वर्ष, लगभग 70 वर्ष पहले चतुर्मास करने पधारे, उन्होंने चतुर्मास और महोत्सव किया, और करीब 20 वर्ष पहले आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी यहाँ पधारे, उन्होंने मर्यादा महोत्सव किया, और आचार्य श्री महाश्रवण जी आचार्य तुलसी का वो इतिहास रिपीट कर रहे हैं जब चतुर्मास और मर्यादा महोत्सव दोनों आचार्य श्री तुलसी ने किया था। तो कभी कभी क्या होता है कि समय का कैलेंडर बड़ा गजब का होता है, वो तारीखें सामने लिखी हुई नहीं दिखती है, उन तारीखों को बहुत अंतर्दृष्टि से देखने के बाद ही समझ में आता है कि यही समय उपयुक्त था। और आचार्य श्री महाश्रवण जी के साथ मुख्य मुनि साध्वी प्रमुखा साध्वी वरिया, ये दुर्लभ रत्न, ये संत आचार्य श्री के साथ पधारे हैं। इससे पहले आचार्य श्री पधारते तो शायद अकेले होते। ये तीन जो हमारे सामने महान प्रतिभाएं हैं, महान पुण्यात्माएं हैं, वो कहां से होती। तो यहाँ के चतुर्मास में 4 ऐसी महात्माओं का, पुण्यात्माओं का सहयोग मिलने का समय अभी आया, इसीलिए ये चतुर्मास और मर्यादा महोत्सव अभी यानी हाल में मुंबई संपन्न होगा। ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।